खुला समर्थन है, सुशील गौतम जी ही इस बार जीतेंगे, हमारे विधायक यही बनेंगे और साथ में मुख्यमंत्री इस बार मायावती जी की बहन मायावती जी को ही हम बनाएंगे, इसके अलावा और किसी की गुंजाइश ही नहीं है हमारे इधर से। बाबा साहब को हम जानते हैं। क्या जानते हैं बाबा साहब? बाबा साहब कौन मुसीबत से पड़े हैं, कैसे पड़े हैं, आज जो मायावती देंगे विधायक नहीं है भैया, हम अपने हाथी को जिता हाथी पे देंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं बाबागंज विधानसभा में और बॉर्डर पे मौजूद हैं। आज जो है इधर बीएसपी के काफ़ी समर्थक दिख रहे थे तो हम आधी रात को रुके हैं और बात करने की कोशिश करेंगे क्या कारण रहा है जो यहाँ कट्टर बसपाई दिख रहे हैं और हाथ में जो है सुशील गौतम जी का पर्चा लेके खड़े हैं। क्या कारण है कि लगातार जो है सुशील गौतम जी का माहौल बनते चले जा रहा है बाबागंज में? क्या बाबागंज से वो विजय कर पाए या नहीं कर पाएंगे, हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक युवा है, क्या माहौल है भैया आपके यहाँ? माहौल बहुत बढ़िया है, हमारी तरफ से खुला समर्थन है, सुशील गौतम जी ही इस बार जीतेंगे, हमारे विधायक यही बनेंगे और साथ में मुख्यमंत्री इस बार मायावती जी की बहन मायावती जी को ही हम बनाएंगे, इसके अलावा और किसी की गुंजाइश ही नहीं है हमारे इधर से, और कोई जीत ही नहीं सकता है। वर्तमान में देखा जाए तो जनसत्ता दल के विनोद सरोजी विधायक, हाँ जी विनोद सरोजी विधायक हैं, हाँ जी। क्या कारण रहा है कि वो लगातार विधायक में आ रहे हैं? देखिए लगातार को तो नहीं कर सकते, हमारा खुद का खुला समर्थन रहता है क्योंकि बहन जी ने जितना काम किया है, शिक्षा के प्रति हो या कि रोजगार के प्रति हो या कि सड़कें या कि कोई माहौल या कि गरीब पेंशन, जो भी व्यवस्था है वो सारी हमारी बहन मायावती जी ही देती आई हैं, हमें और किसी सरकार से कोई लाभ नहीं मिल पाया है। ये जीतने आए हैं, ये कैसे जीतने हैं हमें नहीं पता। योगी जी भी तो मंदिर बनवा दिए हैं, मंदिर को लेके हम क्या करेंगे, हमारा वहाँ पे कोई काम नहीं है, हमको तो कह देते हैं ये दलित हैं, हमें मंदिर का कोई राशन दे रहे हैं आपको, राशन क्या करेंगे, हमारी शिक्षा छीनी जा रही है, हमारा रोजगार छीना जा रहा है, राशन को लेकर हम क्या करेंगे? क्या कह रहे हैं माता जी राशन पे, आप क्या कह रहे हैं? राशन पे हमको राशन नहीं चाहिए, हमको हमारे बच्चे, हमारे जो है बेरोजगार घूम रहे हैं, हमारे बच्चे के पढ़ाई नुकसान हो रही है, तो हम राशन को क्या करेंगे? देखिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो कोई पीता है दहाड़ता है या कि फाड़ लेता है। क्या बाबा साहब को यहाँ के लोग जानते हैं? आप किसी से भी पूछ सकते हैं बाबा साहब। कौन कौन जाता है बाबा साहब को, कौन कौन जानता है? बाबा साहब को हम जानते हैं। क्या जानते हैं बाबा साहब? बाबा साहब कौन मुसीबत से पड़े हैं, कैसे पड़े हैं, आज जो क्या कहते हैं, आज उन्हीं ने क्या कहते हैं, आज हमको लोग को आज़ादी दी है उन्हीं के समाज, बहन जी तो किसको वोट देंगे आपकी बार? हम बहन जी को देंगे। क्या कर रहा है योगी जी से खुश नहीं है मोदी नहीं, जी नहीं मोदी जी से खुश नहीं है, इसलिए सिलेंडर भी दे रहे हैं आप। सिलेंडर से हमें क्या मतलब, हम तो बिना क्या कहते हैं, हम पैसा काट ले रहे हैं, एक दे रहे हैं तो चार ले रहे हैं, महंगाई ऊपर से बढ़ा दे रहे हैं, किसान निधि दे रहे हैं, श्रम कार्ड का पैसा दे रहे हैं, क्या कुछ नहीं है कुछ, हम श्रम कार्ड का कौन पैसा दे रहे हैं, वो तो चालबाजी है कि औंठा लगा लिए हैं निशान वो करके। तो आप किसको वोट देंगे? मायावती देंगे। क्या करा है योगी जी, क्यों नहीं देंगे? योगी को दे, मेरे का कहती 24 साल के बच्चे, उनके कौन नौकरी नहीं मिली है, स्कूल में का कहती बच्चे पढ़ने जाते हैं, कौन प्राइमरी में बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं, तो क्यों योगी इसको दें? माता जी आप आगे आ जाइए, देखिए माता जी जो है पीछे, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या कर रहा है कि कट्टर बसपाई। ये सुशील गौतम जी का पर्चा है, क्या चाहते हैं आपकी बार विधायक बन के आए? वो विधायक नहीं है भैया, हम अपने हाथी को जिता हाथी पे देंगे। देखिए बहुजन समाज में क्या होता है कि विधायक चाहे जो भी हो, वोट देना है तो हाथी पे ही देंगे, चाहे प्रत्याशी कोई भी हो, प्रत्याशी को नहीं जानते, ये प्रत्याशी सुशील गौतम जी जो है बहुजन समाज पार्टी की ओर से खड़े हैं। अच्छा ठीक है, जो हमारी बहन जी करेंगी जो अच्छा करेंगी, और वो सबको एक नजरिया से देखती हैं, ये नहीं है कि क्या कहते हैं अपनी बिरादरी को खींचती हैं, हाँ वो सबको देखती है, यादव बहन ये सब अपने अपने बिरादरी को खींचते हैं। देखिए जिस तरह से लगातार वंचित समाज में मीडिया नहीं पहुंच पाती है, वहाँ पे मीडिया पहुँची है तो काफ़ी जो पिछड़ी निचले दबके के महिलाएं वो भी बोलना जानती हैं। क्या कहेंगे दादा, आप यहाँ के निवासी हैं, यहाँ से आपके प्रत्याशी बीएसपी से सुशील गौतम जी हैं, क्या माहौल चल रहा है उनका? उनका माहौल अत्यंत अच्छा चल रहा है और हमारा पूरा प्रयास है, पूरे जहाँ तक हमारी आवाज़ जाती है अपने जन लोगों के पास या कि बैकवर्ड के पास, जितने जो भी हमारे समर्थक हैं उनको मैं यही कहता हूँ कि बहन जी को ही वोट देना है और हाथी पर निशान लगाना। अरे अभी कोई कह रहा कि आप भाजपा पे वोट देते हैं, ये तो किसी की तुष्टि है, क्या करेंगे, हम गांव स्तर पर हैं, जैसे हमारे यहाँ
हर एक पार्टियाँ आती हैं तो क्या करेंगे हम, किसी को लाठी मार के तो हटाएंगे नहीं। मेरे दिल कोई खुश नहीं है, कभी नहीं खुश हैं। मैं तो सर्वदा जब से इसका जन्म हुआ है बसपा पार्टी का, तब से मैं निर्धारित आज दिन तलक बसपा के समर्थक में हमेशा जुटा हूँ और जहाँ भी होता है वहाँ मैं जाता हूँ। आपके इधर बहुत सारी खेती है, साढ़ का क्या माहौल चल रहा है? अरे साढ़ का माहौल क्या है, अपने पास तो खेती भी नहीं है। साढ़ का माहौल अच्छा हो या बुरा उससे मेरा कोई संबंध नहीं है, उससे मेरा कोई संबंध। विधानसभा बाबागंज में जो है माहौल चल रहा है सुशील गौतम जी का, देखिए क्या होता है जब वोटिंग पड़ती है। तो क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रही हैं? जब हम सबको छोटे छोटे थे तब हमारे पिताजी मेरे आजा जी मायावती को बाबा साहब का मेरे सब किया, बाबा साहब से शादी होती है बौद्ध धर्म से, बहुत धर्म से होती है। हाँ, बहुत धर्म से। हमको नहीं मालूम है कि हिंदू धर्म से शादी कैसे भी होती है। और ये शादी हमारे बाबा ने कालू राम उनका नाम है, नैहर है बासुपुर में। आप भी जो है बौद्ध धर्म शादी होती है आपके यहाँ? हाँ होती है, अभी 2.5 साल हो गए लड़की की शादी भाई। अब मेरे भाई भाई मेरे सब बहुत धर्म सब। देखिए जो है बाबागंज विधानसभा में एक बॉर्डर पे हम खड़े हैं, यहाँ पे भी लोग काफ़ी जागृत और जागरूक समाज है जो बौद्ध धर्म से शादी करता है, हिंदू रीति रिवाज को लात मारता है।